हेलो गाइस, तो आज मैं आपको लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही वीआईपी वीडियो, जो कि मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताई। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने वेबसाइट के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर कॉल नाउ का बटन कैसे यूज करेंगे, जो कि आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आपने इस तरह का बटन लगाना है तो आपने क्या करना है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने आ जाना है अपने गूगल क्रोम पे। यहाँ पर आने के बाद आपने अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाना है। ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर हमने डैशबोर्ड में आने के बाद हमने चले जाना है अपने प्लगइन्स पे। प्लगइन्स में जाने के बाद आपने यहाँ पर कौन सा वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है, आपने प्लगइन यहाँ पर करना है ऐड नाउ। ऐड नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल करना है कॉल नाउ बटन, ठीक है। कॉल नाउ बटन के बाद आपने इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके पास जो पहला पहला प्लगइन आएगा आपने कर लेना है उसको इंस्टॉल, ठीक है। ये वाला आ गया, आपने इसको कर देना है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको कर देना है आपने एक्टिवेट। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो इसमें एक मसला आएगा जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। वो क्या मसला होगा, इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। जब आप कॉल नाउ का बटन इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इसको कर देना है एक्टिव। एक्टिव करने के बाद वो कह रहा है कि आप उसको कहाँ पर लेके जाएंगे, तो हम उसको कहाँ पर लेके जाएंगे, फ़ोन में। फ़ोन में जाने के बाद आपने यहाँ पर अपना कोई भी नंबर दे देना है। वो कह रहा है कि नंबर आप किस तरह दोगे, तो वो आपको इसका ऑप्शन बता देगा कि आपने यहाँ पर अपने नंबर दे देना है। जैसे कोई भी हम नंबर दे देते हैं, ठीक है, आपने इस तरह का कोई भी नंबर दे देना है। और यहाँ पर आपने कोई भी टेक्स्ट लिख देना है, जो आप जैसा टेक्स्ट लिखेंगे आपके सामने वैसा वैसा टेक्स्ट शो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर देने के बाद आपने चले जाना है प्रेजेंटेशन में। वो यहाँ पर बता रहा है कि आपका जो बटन का कलर है वो कैसा हो, आइकॉन का कलर कैसा हो, और आपका वो राइट कॉर्नर में हो या फुल बॉटम में हो, ठीक है। आप लेफ्ट कॉर्नर में हो, जहाँ पर हो आप उसको वहीं पर दे सकते हैं। और डिस्प्ले ऑन मोबाइल ओनली, या आपके पास सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में ही शो होगा। डेस्कटॉप ओनली या ऑल स्क्रीन, हम ऑल स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो आपका बटन दोनों जगह पर शो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये फ्रंट पेज या आपका मेन पेज में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या कर देना है, इसकी चेंजेस को सेव कर देना है। जैसे ही आप इसकी चेंजिंग को सेव करेंगे, ये बटन आपकी वेबसाइट के ऊपर अलाउ हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर खोलता हूँ, यहाँ पर आने के बाद हम अपनी वेबसाइट को क्या करते हैं, रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास बटन, ये देखें, ये बटन शो हो गया। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो कह रहा है कि आप मोबाइल वाली ऐप में चले जाएँ। तो मैं आपको मोबाइल का वर्जन भी दिखा देता हूँ कि आपके पास मोबाइल में कैसे शो होगा। तो आप मोबाइल शो हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। हम यहाँ पर आने के बाद मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ। ये देखें, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पर हमारी वेबसाइट का नाम क्या था, ये था, ठीक है। ये हमने वेबसाइट को ओपन किया, ये हमारे पास क्या ओपन हो गई है, हमारी वेबसाइट। जैसे ही वेबसाइट हमारे पास ओपन होगी, हम अपनी वेबसाइट में देखेंगे हमारे पास कॉल नाउ का बटन आपके सामने कुछ शो हो गया है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास कॉल नाउ का बटन शो हो गया। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो वो हमें कहाँ पर लेके चला गया, वो हमें डायल पे लेके चला गया। जब हमारे डायल पे लेके चला जाएगा तो हम जब इस तरह करेंगे कॉल पे, तो हमारे पास कॉल चली जाएगी, ठीक हो गया। ये मैंने आपको मोबाइल के ऊपर भी ऑप्शन बता दिया कि आपने मोबाइल के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।